15 जनवरी को कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए 1 लाख से अधिक लोग शिखरजी पर चढ़े। इनमें से 99% लोग जैन नहीं थे। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र एक दिन में अन्य समाज के लाखों लोग शिखरजी पर चढ़ गए। चढ़े तो चढ़े, परंतु इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने वहाँ फुवरता व अश्लीलता का खुला प्रदर्शन किया। उन्होंने ऐसे क्या अशोभनीय कार्य किए, ये आगे इस वीडियो में आप देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हर साल मकर संक्रांति के अगले दिन 15 जनवरी को शिखरजी पर अन्य समाज का बड़ा मेला लगता है। चूंकि अब की बार कोरोना के कारण झारखंड सरकार ने भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई। प्रशासन ने सबसे कहा 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, परंतु इन सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई और वहां इतनी भीड़ आई कि हम जैनों को तो दर्शन करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारी कमेटियों ने भी यात्रियों से निवेदन किया कि जूते चप्पल ना ले जाएं, कचरा ना फैलाएं, लेकिन सभी गाइडलाइंस को तार तार कर दिया गया। देखिए कैसे हमारे शिखरजी तीर्थ की पावन भूमि की पवित्रता के साथ छेड़छाड़ की गई, कैसे कैसे अशोभनीय कृत्य किए गए। देखिए 15 जनवरी को पहले तो पिकनिक मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ शिखरजी पर चढ़ी। किसी को नहीं पता कि ये अपने बैगों में क्या लेकर जा रहे हैं। पार्श्वनाथ प्रभु की टोंक पर फोटोग्राफी चल रही है, लड़के व्लॉग्स बना रहे हैं, यहाँ तक तो फिर भी सहनीय है, परंतु जैनों के पवित्र तीर्थ पर अश्लील गाने बजाकर फूहड़ नाच करना, यह कैसी संस्कृति है, यह इनकी कैसी भक्ति है। पहले देखिए इन लोगों की फूहड़ता और फिर आपके लिए एक विशेष बात। क्या आप किसी अन्य मंदिर, मस्जिद या चर्च पर ऐसा कर सकते हैं? कदापि नहीं। फिर जैन तीर्थ पर ये क्या किया जा रहा है? पहले तो मधुबन में दूसरे समाज का मंदिर बनाना, फिर पर्वत पर लाखों लोगों की भीड़ ले जाना, और अब ऐसी फुवरता। हमारे तीर्थों को ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? मित्रों, ये दृश्य हमारे लिए रेड अलर्ट है। अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक व व्हाट्सएप पर सभी जैन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। जय जिनेंद्र।